जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों आज से दो दिन पहले समस्तीपुर रेल मंडल के संसदीय समिति की बैठक हुई और उस संसदीय बैठक का अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने, और इस दौरान रेल प्रशासन द्वारा उपस्थित सांसदों का स्वागत किया जिसमें 14 सांसदों की भागीदारी थी, और उसके बाद सभी सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों के लिए अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए अपनी अपनी मांग रखी। बेतिया के सांसद संजय जायसवाल और इस दौरान संसदीय समिति के अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने, उन्होंने कहा कि समस्तीपुर रेल मंडल के मुख्यालय तो है पर यहां से दिल्ली के लिए कोई भी सुपरफास्ट ट्रेनें नहीं चलती हैं। इसमें यह सबसे गहन चर्चा का विषय है। और इस बार केंद्र सरकार ने बजट में 400 वंदे भारत ट्रेन की चलाने का निर्णय लिया है, तो क्यों ना समस्तीपुर स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए। और उन्होंने रूट भी बताई कि समस्तीपुर चलने के बाद दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, सगौली, बेतिया के रास्ते होना चाहिए जिसे चंपारण और मिथिलांचल के लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इस ट्रैक पर वंदे भारत कैसे चलेगी जब कोई पैसेंजर ट्रेन ही नहीं, कोई सुपरफास्ट ट्रेन ही नहीं चलती, चलती भी है तो उनकी स्पीड काफ़ी कम होती है। तो इस तरह की ट्रेनें, वंदे भारत टाइप की ट्रेनें का विचार करना अभी बहुत दूर है, लेकिन हाँ पिछले कई दिनों से चर्चा में है कि इस रूट पर राजधानी एक्सप्रेस मिलेगी और इसके लिए तैयारी भी की जा रही है राजधानी एक्सप्रेस चलाने को लेकर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ये सब सारी ट्रेनें चलाने की जो बात की जा रही है वो सब हवाई फायर है। सुपरफास्ट ट्रेन ही चला दें, एक्सप्रेस ट्रेन ही चला दें, वही काफ़ी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह ज़रूर से वीडियो पसंद है, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।